हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूँ सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका हाउ मेनी टाइम्स। ये क्या चैप्टर है, हाउ मेनी टाइम्स? आपको याद होगा, मैंने आपको काफी दिन पहले मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का डेमो प्रोवाइड किया था, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन बताया था, टेबल्स बताया था कि दैट हाउ यू कैन टीच टेबल। ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएगी, मैं इसी प्लेलिस्ट में अब मैं अटैच कर दूंगी, इसलिए ताकि आपको एक सीरीज में मिल जाए कि यस, अब ये चैप्टर 9 का ही पार्ट है, ठीक है? तो चैप्टर 9 में जो मुझे बताने लायक लगी वो चार चीजें लगी। सबसे पहला, हाउ मेनी टाइम्स, ये आप टॉपिक कैसे ला सकते हो, उसका सेंस क्या है। सेकेंड आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये कहाँ से आया, हाउ मेनी टाइम्स से निकल के आया है। देन फोर्थ आपका आता है क्या, थर्ड आपका आएगा टेबल। टेबल के बिना ये दोनों टॉपिक इनकम्प्लीट है, आप भी जानते हो। तो टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को आप टेबल कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए मैंने आपको डेमो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। मल्टीप्लीकेशन टेबल दोनों का डेमो है मेरे चैनल पे, नहीं होगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है? और फोर्थ जो इसमें बनता है वो इसी चैप्टर में बताया गया है कि मल्टीप्लीकेशन का मेथड आप बच्चों को क्या सिखाएंगे अभी इस लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें अभी ये वाला मेथड नहीं सिखा रहे हो, ऐसे वाला मेथड ये नहीं सिखाओगे, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये नहीं सिखाएंगे। आप बच्चे का ना भी बेसिक बिल्ड करेंगे तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आपको उन्हें ये मेथड सिखाना है, दैट इज कॉल्ड एज बॉक्स मल्टीप्लीकेशन का मेथड, ठीक है? इस पर भी मैं आपको एक डेमो वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको मेथड पता होनी चाहिए हमने क्या अडॉप्ट करना है क्लास थर्ड के बच्चे को पढ़ाने को, ओके, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है? समझ में आया, बेसिक यही होता है, शुरू जो आप करोगे वो होता है मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाकी आज हम देखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स का वीडियो, मल्टीप्लीकेशन टेबल दोनों का वीडियो पड़ा हुआ है। फोर्थ वीडियो में आपको जो इसका दूंगी इसी चैप्टर के पार्ट का, मैंने क्या बताया आपको, बॉक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड। आई होप ये सारी बात क्लियर हो चुकी होंगे आपको प्रॉपरली, यही बातें मैंने आपको समरी में भी ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं आप इस पे कैसे डेमो प्रेजेंटेशन देंगे, ओके? सो लेट्स बिगिन, ओके? चलिए, ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एवरीवन इज फाइन, डूइंग ग्रेट, ओके, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा, ओके, आप सब इतने हैप्पी फेसेस लग रहे हैं, ओके, सो प्रिटी, बहुत अच्छा, ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यू वॉन्ट टू लिसन और नॉट लिसन? अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब लोग जो आप सबने डेरी मिल्क के शॉर्ट्स खाए हैं क्या? डेरी मिल्क के शॉर्ट्स आते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, कहा है क्या आप सबने ये? तो स्टूडेंट्स पता है कल क्या हुआ, कल जो मेरी सिस्टर रिया है ना, कल वो गई मार्केट, उसने जिद पकड़ ली, शी सेड दैट आई वांट टू ईट व्हाट, डेरी मिल्क शॉर्ट्स, मुझे चाहिए डेरी मिल्क शॉर्ट्स चाहिए। अब क्योंकि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था, तो उसने कहा ओहो दीदी 2 रुपए में 2 लड्डू। मैंने कहा ओहो ये क्या है? उसने कहा अरे मैंने टीवी पे ऐड देखा है 2 रुपए में 2 लड्डू, ये क्या होते हैं भला, आइए देखते हैं। उसने मुझे जब यहाँ पे जब उसने शॉप से ले लिया, तब मैंने ध्यान से देखा फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसा करके पैकेट था, ठीक है, ओके, प्यारा सा पैकेट था, पर्पल कलर का अच्छा सा, और उसमें से 2 लड्डू प्रेजेंट थे, ओके, इसी को उसने क्या बताया मुझे कि इसका नेम क्या है, इसका नेम मैंने दी डेरी मिल्क शॉर्ट्स, ओके। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, है ना, चॉकलेट से बहुत ही प्यारे प्यारे सर्कल सर्कल में, है ना, उसी को इसने मुझसे क्या कहा, दीदी 2 रुपए में 2 लड्डू। मैंने कहा ओहो ले लो कोई बात नहीं। आप उसने करे पर्चे, उसने ऐसे ना फ्रेंड्स बहुत सारे पैकेट्स लिए, कितने लिए मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, ओके, ऐसे करके लिया, ओके, 1 पैकेट तो था उसके पास, 2 पैकेट्स लिया, 3 ले लिया, फिर उसने और लिए 4, और फाइनली उसने लिया 5 पैकेट्स, ओके, एंड शी इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, है ना, बहुत ज्यादा खुश थी वो, घर आई फटाफट, उसने मामा से बोला मामा मैंने 5 पैकेट्स क्या लिए, मैंने 5 पैकेट्स आ लिए डेरी मिल्क शॉर्ट्स। मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, लेट्स सी फ्रेंड्स, आप लोग आंसर दे पाते हैं, है ना, बिल्कुल, आप भी तो रिया की तरह हो, आप भी जाते हो डेरी मिल्क शॉर्ट्स लेके आते हो या नहीं आते हो, हाँ जी। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, जस्ट टेल मी रिया हाउ मेनी शॉर्ट्स आर देयर। उसने बोला दीदी ये कैसा क्वेश्चन है, 5 शॉर्ट्स? मैंने कहा नो ये तो पैकेट्स है ना, 5 पैकेट्स वी हैव, कैन यू टेल मी हाउ मेनी शॉर्ट्स वी हैव। ओके, नाउ शी इज वेरी मच कंफ्यूज, उसने बोला ओके दीदी आई विल टेल यू, आई विल डू द काउंटिंग, फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स, क्या आप लोग रिया से ज्यादा स्मार्ट हो? फटाफट बताएंगे आप लोग मुझे, रिया ने तो बहुत टाइम ले लिया मुझे, और मैंने कहा रिया आपने किया तो मुझे बता तो दिया, लेकिन रिया ने मुझे आंसर बताया, बट शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मुझे कुछ शॉर्टकट बताना है, मुझे आपको कुछ शॉर्टकट जानना है कि आप कैसे फटाफट मुझे यहाँ पे बताओगे, ओके, उसके लिए क्या किया जाए, क्या आप 2 + 2 + 2 ऐसे ही सोच रहे हो मैम, 2 शॉर्ट सामने है, यस एवरीवन इज थिंकिंग द सेम, यस और नॉट, यही सोच रहे हो आप लोग, ओके। सो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मेनी शॉर्ट्स वी हैव विद द कंसेप्ट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, ओके स्टूडेंट्स।
कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स को. लेट्स सी व्हाट वी हैव. क्या है ये हाउ मेनी टाइम्स, अभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा. ठीक है, जैसे आप सबने मुझसे बोला मैम हियर वी हैव टू शॉर्ट्स. हाँ जी, आप ऐड करेंगे फिर से टू शॉर्ट्स से. देखिए टू टू लड्डू है ना, लड्डू आप समझो ना, शॉर्ट्स मीन्स लड्डू. या एग्जैक्टली, तो वन टू, फिर आपने देखा फिर से टू, फिर आपने देखा वन टू, फिर आपने देखा वन टू. ठीक है, वी हैव वन टू. सो फाइनली व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा भाई हम सबको प्रॉपर ऐड करेंगे. आप सबके आंसर यस, वेरी गुड, सबके टर्न आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट. तो आप सबने आई होप यही मेथड सबने यूज किया ना सबने स्टूडेंट्स. ओके, अभी मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कैसे आप इस हाउ मेनी टाइम्स के कंसेप्ट से ये कर सकते हो. ये क्या है मैम, हाउ मेनी टाइम्स क्या बोल रहे हो? चलो आप लोग मुझे पहले बताइए स्टूडेंट्स. हियर वी हैव टू हाउ मेनी टाइम्स, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, टू यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है? कैन यू टेल मी, हियर वी हैव टू हाउ मेनी टाइम्स. टू इज व्हाट? टू इज फाइव टाइम्स. सी, वन टू थ्री फोर फाइव. आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप? टू इज एडेड फाइव टाइम्स. तो आपको साफ साफ देख रहे हैं, यस मैम, टू को तो हम फाइव टाइम्स एड कर रहे हैं. यस और नॉट, समझ में आया सबको? ओके, अब स्टूडेंट्स इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे टू. ओके, इज एडेड फाइव टाइम्स. तो स्टूडेंट जब आप कोई चीज को एड करते हो ना रिपीटेडली, वही नंबर एड कर रहे हो, आपको दिख रहा है, आप सेम नंबर एड करो. ऐसा क्यों कर रहे हो स्टूडेंट्स? बिकॉज हियर वी हैव हाउ मेनी पैकेट्स, पहले मुझे आप बताएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव. सो यू स्टूडेंट्स यू हैव फाइव पैकेट्स, आपके पास स्टूडेंट्स फाइव पैकेट्स थे, एंड इन ईच पैकेट यू हैव टू लड्डूस. ओके, और आई कैन से टू शॉर्ट्स आर प्रेजेंट. क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पैकेट में दो शॉर्ट्स प्रेजेंट थे. ठीक है, दो डेरी मिल्क आपके शॉर्ट्स प्रेजेंट थे. तो वही आपको यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है. क्या आपने देखा, आपने देखा मैम मैंने फाइव पैकेट्स लिए, टू शॉर्ट्स लिए. ओके, विच इज प्रेजेंट इन ईच पैकेट. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम नंबर यू हैव टू एड. Okay, so what you are going to do, you are going to apply the concept of repetitive addition, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं multiplication. तो इसी बात को आप क्या बोलोगे, two is added five times. मैंने पूछा ना आपसे two is added how many times, आपने बोला मैम five times. Okay, तो इसी बात को students हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे two into five. मैंने क्या लिखा students, into का ही आपका symbol होता है students multiplication. तो आप इसी बात को लिखोगे मैम टू मल्टीप्लीकेशन फाइव, दैट मीन्स क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, और ऑल ऑन द टेबल ऑफ, यस टेबल ऑफ टू, आपको पता है, काउंट करिए, टू वन टू, टू टू फोर, टू थ्री सिक्स, टू फोर एट, टू फाइव टेन. यस, सो हियर वी हैव टेन शॉर्ट्स ओवरऑल. क्लियर हुआ या नहीं, आपको समझ में आया? अच्छा, आपको समझ में, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, देखो अब फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से एडिशन कर रहे थे, ओके इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ले रहा था कि नहीं, टाइम ले रहा था. ओके, अगर ऐसे मैं आपको कुछ बड़े बड़े नंबर लिख दूं, लाइक फाइव 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 फाइव, मैंने बोल दिया आपको ऐड करने को, इट विल टेक टाइम, यस और नॉट, लेगा ना स्टूडेंट्स. लेकिन जब आप यहीं पे कंसेप्ट लगा देंगे हाउ मेनी टाइम्स का, अब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने सीखा दैट मैम हियर वी हैव टू द मल्टीप्लीकेशन. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपने एडिशन करना सीखा था, है ना, चीजों को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन माइनस कर देना, कोई चीज को रिड्यूस करना, निकाल देना, वैसे ही फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना, आपको पता करना हाउ मेनी टाइम्स कोई चीज है, तो वहां आप अप्लाई करते हैं कांसेप्ट मल्टीप्लीकेशन का, जिसका सिंबल होता है ऐसा. ठीक है, कैपिटल एक्स टाइप का. समझ में आया या नहीं, सबको क्लियर हुआ हाउ मेनी टाइम्स वी हैव? ठीक है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपसे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, सपोज यू वी हैव अ बॉक्स. ओके, इसी बॉक्स में आपके पास प्रेजेंट है कितने, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लड्डूस प्रेजेंट है. और ऐसे ही मैंने आपसे कह दिया हियर यू हैव थ्री बॉक्सेस लाइक दिस. ओके, थ्री बॉक्सेस, वन टू थ्री, देखो थ्री बॉक्सेस है स्टूडेंट्स, सब में सिक्स सिक्स लड्डूस प्रेजेंट है. ओके, एंड इफ यू वांट टू काउंट ओवरऑल ऑल द लड्डूस व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री बॉक्सेस, व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, यू हैव टू काउंट द लड्डूस व्हिच इज प्रेजेंट इन ईच बॉक्स. सो हियर वी हैव हाउ मेनी लड्डूस, सिक्स लड्डू. हियर वी हैव हाउ मेनी लड्डू, सिक्स लड्डू. अगेन हियर वी हैव सिक्स लड्डू. सो इफ यू वांट टू काउंट आउट हाउ मेनी लड्डूस ओवरऑल वी हैव, व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू डू द एडिशन, यस और नॉट, समझ में आया? क्या करेंगे, अगेन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एडिशन. जैसे आप यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करोगे, आप मुझे बताओ ये तीनों नंबर सेम है या नहीं, यस और नॉट. सो व्हाट यू कैन डू, यू विल सी हियर दैट सिक्स इज रिटन हाउ मेनी टाइम्स. सो हियर वी हैव, सो हियर वी विल राइट सिक्स इज थ्री टाइम्स. क्या लिखा है स्टूडेंट्स आपका, सिक्स कितनी बार है, थ्री टाइम्स लिखा है. सो दैट्स व्हाई यू विल राइट लाइक दिस, आप लिखोगे सिक्स मल्टीप्लीकेशन थ्री, सो यू आर गोइंग टू हैव 18 लड्डूस. ओके, एंड दिस विल बी योर आंसर. समझ
समझ में आया या नहीं, क्लियर हुआ, अच्छे से आया आपको समझ में, ठीक है। तो हाउ मेनी कंसेप्ट, सॉरी हाउ मेनी टाइम्स क्या है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन का ही आपको कंसेप्ट देता है, बट इसको आप कब यूज करते हो, जब आपको सेम नंबर को एड करना होता है, तो आप चेक करते हो कि वो कितनी बार लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिटन, ओके, एंड देन यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। इसके लिए पहले स्टूडेंट्स आपको टेबल जरूर पता होनी चाहिए, ओके, हाँ जी। तो देखो आपके सामने मैंने टेबल चार्ट भी लाई है, ताकि अगर आपको ये पता करना हो मैम ये 2-5 से क्या होगा, तो इसके लिए आप पहले टेबल को देखेंगे फिर आप बताएंगे, और टेबल फ्रेंड्स आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉपरली, ओके, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना टेबल्स आप कैसे लिखते हो, ठीक है। टेबल क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपका रिपीटेटिव एडिशन ही तो है, तभी तो आपकी ये टेबल का फॉर्मेशन होता है, ओके, चलो ग्रेट। सो यस फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था हाउ मेनी टाइम्स, लेकिन मुझे बताना था कि क्यों यूज हुआ। इसी को हेल्प लेते हुए हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया, ठीक है, और आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही टेबल का लाइक वीडियो प्रोवाइड किया, टेबल मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ यू कैन टीच अ मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द बॉक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मेंशन है, आपको जरूर पता होनी चाहिए, इनकेस आपसे इंटरव्यू ये बात पूछते हैं कि चलो मल्टीप्लीकेशन तो सबने पढ़ा लिया, क्या आप मुझे बताओगे आप बच्चे को इजिएस्ट मेथड क्या बताओगे मल्टीप्लीकेशन करने का, ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर विद वन डिजिट नंबर एंड टू डिजिट नंबर विद अ टू डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टीच अ स्टूडेंट दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 25 विद 36, ओके, सो विच मेथड यू विल यूज, आपको पता होना चाहिए दैट वी कैन यूज अ सिंपलेस्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ बॉक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड, ओके। इसको देखेंगे समझेंगे तब आपको और आगे समझ में आएगा, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके, थैंक यू।